बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल। होप यू आर ऑल गुड एट होम एंड एंजॉयिंग योर वेकेशंस। स्टूडेंट्स, इट्स आवर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 16। प्लीज ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 16 एंड आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स के सिंपली केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के दरमियान में जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनती हैं। ओके, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब सब्सटेंस क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है वो के सब्सटेंस। अब वो प्योर फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। ये दोनों के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इम्प्योर फॉर्म कौन सी है? मिक्सचर। मिक्सचर मैटर की इम्प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है सब्सटेंस। और सब्सटेंस में दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट या कंपाउंड। हम ये बात कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट के, उस कंपाउंड के या जिन एटम से ये मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। एक मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो उन एटम्स में थी जिनसे मिलके वो मॉलिक्यूल बना था। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया। एक तो है कि नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इस बेस पे डिवाइड करना है। और एक है ना टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे। ओके, सर सी बात क्लियर हो रही है आपको? मॉलिक्यूल्स की डिवीजन हमें दो तरह से करनी है। एक हम उसकी टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उसके बेस पे देखेंगे डिवीजन। और सेकेंड उसकी टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम कि कितनी टाइप के एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। ओके, फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो वर्ड का मतलब है वन, सिंगल चीज। द मॉलिक्यूल्स हैविंग जस्ट वन एटम इसका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की, नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो कहती हैं इनर्ट होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट है, वो स्टेबल होती है, वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में जस्ट एक एटम होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें किसी दूसरे के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स हैविंग टू एटम्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल है H2, ये देखिए दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं, या HCl एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन का एटम। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई का मतलब है थ्री। द मॉलिक्यूल हैविंग थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जिस मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम होंगे वो ट्राई एटॉमिक होगा। इसके एग्जांपल्स क्या है? H2O वाटर। वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कार्बन के एटम, O2 ये जो नीचे लिखे होते हैं नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के दो एटम, तीन दो एक कार्बन का दो ऑक्सीजन के मिलकर तीन एटम्स बनाते हैं, ये किसके एग्जांपल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब है मैनी। पॉली मीन्स मैनी। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मैनी एटम्स, या कह सकते हैं मोर देन थ्री एटम्स। अगर मोर देन थ्री एटम्स होंगे, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी हो सकते हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली बोल देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके बाद हम यूज करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिस मॉलिक्यूल में मोर देन थ्री एटम्स हों। NH4, NH3, C12, H22, O11 ये क्या है? शुगर का फॉर्मूला है। इसके अलावा आपको जो फॉर्मूलाज आते हैं जिनमें तीन से ज़्यादा एटम्स हैं
उस मॉलिक्यूल आपने पूरे एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जांपल पुट कर देंगे. ओके, ये हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे हैं, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. कि एक मॉलिक्यूल में अगर एक एटम होगा तो मोनो होगा, अगर दो एटम है तो डाई, अगर तीन एटम है तो ट्राई, अगर मोर देन थ्री एटम्स है या मैनी एटम्स है तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. ये हमने उसके बेस पर डिफाइन किया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखनी हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स. एक मॉलिक्यूल में कितनी टाइप्स के एटम प्रेजेंट है उसके बेस पर डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो मतलब सेम. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटम्स. अगर किसी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो उन्हें हम होमो एटॉमिक बोलेंगे. इसके एग्जांपल्स हैं H2Cl2SA सल्फर SAP4. जैसे H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है डाइटॉमिक फॉर्म में, सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में. ओके, और फास्फोरस P4 की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल. हेट्रो वर्ड का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट द मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. हमने इधर बात की, देखें H2 सेम सेम एटम है, Cl2 क्लोरीन के दो एटम, सल्फर के 8 एटम्स, फास्फोरस के सेम एटम. सेम एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं. जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा. उसके एग्जांपल क्या है, आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं. C6H12O6 ग्लूकोज जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज बनाती है, तीनों डिफरेंट एटम्स हैं. इट मीन्स ये कि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल. C12H22O11 शुगर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, तीनों डिफरेंट एटम्स हैं. इट मीन्स ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है. आप लोग NH4 दे सकते हो, NH3, CH4, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मॉलिक्यूल्स की आते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स चूज हों वो आपने पुट करनी है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत बहुत ईजी है, पूरी बुक में लगता है सबसे ईजी टॉपिक यही है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन जो इस बार 9th के बोर्ड के पेपर हुए हैं उनमें भी ये लॉन्गेस्ट आता है 4 मार्क्स का. इसलिए आपने बहुत अच्छी तैयारी करना, बहुत ईजी है. जस्ट आपने इनकी हेडिंग्स में आनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखी है, उसके 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये 3 पॉइंट्स पहले आपने लिखने हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने हैं. फर्स्ट हमने हेडिंग देनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. सेकेंड हेड उसमें आपने पहले चार लिखी है मोनोटॉमिक डेफिनेशन एग्जाम्पल, डायटॉमिक की डेफिनेशन एग्जाम्पल ट्राई की. इन द सेम सब जितनी भी टाइप्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल अलग से आपने लिखनी है हेडिंग के साथ. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम. उसके दो आगे हैं होमोटॉमिक, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, हेट्रोटॉमिक की डेफिनेशन इसके एग्जाम्पल. अपने सेपरेटली इसकी हेडिंग्स के सारी टॉपिक लिखे और बहुत अच्छा टॉपिक लिखा होता है ये, और बहुत ईजीली इसके नंबर बहुत ईजीली आ जाते हैं इस क्वेश्चन में. ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.